एक शेर है, चोट पर चोट दिए जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, जो तुम ना आती क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। यह शेर जिसकी लाइफ पे लागू होता है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पिता पान बेचा करते थे। एक पान बेचने वाले का लड़का एक बेहद कॉम्पिटेंट फील्ड क्रिकेट में अपना नाम रोशन करेगा, सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे ज्यादा मुश्किलें उसकी जिंदगी में थी। उन तमाम मुश्किलों को पार करके एक इंडियन T20 लीग के सीजन में दिग्गज विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, फाफ डी प्लेसिस को आउट करके उस लड़के ने खलबली मचा दी। आप समझ चुके हैं हम भारत के तेज गेंदबाज यॉर्कर किंग आवेश खान की बात कर रहे हैं। शुरुआत कुछ ऐसी थी कि इंदौर में आवेश का जन्म हुआ, गलियों में क्रिकेट खेला करते थे और गलियों के बादशाह थे। पिताजी अपने बेटे को क्रिकेट खेलते देखते उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाता, लेकिन फिर शायद नियति को कुछ और मंजूर था। उनकी फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, पिताजी की नौकरी छूट गई, पिताजी ने एक पान की दुकान से जिंदगी और घर चलाने के लिए मेहनत करनी शुरू की और बेटा क्रिकेट के फील्ड में अपने हाथ आजमाता रहा। चाचा ने देखा और कहा कि टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हो, इसमें कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की ओर आवेश को जाने को कहा। आवेश ने चाचा की बात मानी, शायद आवेश की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कोटल्स क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, अमर पठानिया ने उन्हें ट्रेन किया, लेकिन पिताजी ये कहते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि लगातार अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी न तो टेस्ट टीम में और ना ही किसी टीम में आवेश का सिलेक्शन हो पा रहा था। फिर हुआ यह कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने एक ट्रायल रखा, 500 प्लेयर उस ट्रायल में अपीयर हुए थे, उनमें से एक प्लेयर का नाम भी था आवेश खान। रणजी खेले, अंडर 19 T20 खेले, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि आवेश खान ने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। दिल्ली के लिए खेलते हुए जो हमारी इंडियन T20 लीग है उसमें आवेश खान ने वो कारनामा कर दिखाया कि वो सबके फेवरेट हो गए। ये आवेश खान की कहानी, उन्होंने मुसीबतों को पीछे छोड़ा और क्रिकेट में सिर्फ खुद को नहीं इंडिया को आगे बढ़ाने की तैयारी की। आपको कैसी लगी बताइएगा।